पंचकुला सेक्टर 6 में मोबाइल चोरी करने का आज सनसनीखेज मामला सामने आया है। मंगलवार को पंचकुला सेक्टर 6 पुलिस चौकी ने एक, आपको बता दें कि इस युवक का नाम लुकी है और यह 19 वर्षीय है। यह सेक्टर 6 अस्पताल में आकर लोगों से मोबाइल मांगता था और कहता था कि एक फ़ोन करना है, उसके बाद यह मोबाइल लेकर फरार हो जाता था। आज से 15 दिन पहले भी इसने इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन 15 दिन बाद पंचकुला सेक्टर 6 पुलिस चौकी के हाथ में यह अपराधी काबू आया है। यह मंगलवार को जब अपराधी सेक्टर 6 अस्पताल में फिर से एक वारदात को अंजाम देने गया था, तब सेक्टर 6 पुलिस चौकी इंचार्ज विजेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ इस चोर को दबोच लिया। पुलिस ने चोरी किए हुए दोनों मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए हैं और आगे की पूछताछ इससे जारी है। ये मामला एक लड़का लक्की नाम का लड़का है जो ये कल की ही मोबाइल मांगकर टेलीफोन करया, भाई मैं टेलीफोन करना है हॉस्पिटल अंदर ये बात है, और ये टेलीफोन करने की बजाय ये पीछे से भाग गया तो उससे हमने उलिया पता किया और हमने हॉस्पिटल में तलाश की, और हॉस्पिटल में तलाशी के दौरान आज इस उलिया का ये आदमी हमारे लक्की नाम का आदमी मिला। फिर हमने जिसका मोबाइल गया था उसको यहाँ चौकी में बुलाया, फिर इसका मोबाइल मौली जागरा से इसके बरामद करके लाए। आगे की जाँच जारी है, अभी पुलिस स्टेशन सेक्टर 5 में लेके जारी है। सर पहले भी ऐसी चोरी करता है? हाँ, इससे पहले भी एक चोरी उठी और मोबाइल भी अभी लेने जा रहे हैं। तो मोबाइल वाले को मैसेज दे देंगे, उसको बुलाएंगे, कैसे उसका मोबाइल गुम हुआ था, चोरी हुआ था या गुम हुआ था। अर्थ प्रकाश के लिए पंचकुला से अक्षय जाधव की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।